नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताऊंगा प्रोग्राम थर्ड में देखिए यूज़ किया जाता है क्या क्या जाता है इसमें। इसमें आपको जैसे हम कोई सामान हमको बाहर से मंगाना है, जैसे मुंबई से मंगाना है, दिल्ली से मंगाना है, उसका यूज़ कैसे करते हैं, कैसे वर्क करता है, कैसे हम काम करते हैं प्रोग्राम में, तो आज मैं उस टॉपिक पर आपको पूरी डिटेल में आपको बताऊँगा प्रोग्राम थर्ड में। आप लोग ज़रूर देखिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चलते हैं वीडियो की ओर। वीडियो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मैं टेली को ओपन कर लिया, फटाफट मैं कंपनी बना ले रहा हूँ यहाँ से। मैंने क्रिएट कंपनी पे गया, यहाँ से मैं कंपनी बना लूँगा। इसे मैंने बनाया SGIT के नाम से, कंपनी बना रहा हूँ। यहाँ पर डाला इंडिया, वर्ल्ड का पैसे डालेंगे तभी आपका आ जाएगा, UP डालेंगे उत्तर प्रदेश आपका आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद कंट्रोल एस हम क्या कर देंगे, डाटा को सेव कर देंगे। तो हमारी कंपनी बन के रेडी हो गई। इन आपको समझ में आ गया होगा हमको कंपनी कैसे बनाना है और सेव करना। कुछ शॉर्टकट की भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोग बताते ही रहूँगा, अब वहाँ से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे सेटिंग करेंगे। सेटिंग कैसे किया जाता है, सेटिंग करने के लिए करना पड़ेगा आपको F11 करना है। या F11 करने के बाद आपको मिलेगा अकाउंटिंग फीचर्स मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। और इंटर करने के बाद आपको जाना है, इंटर करते हुए जाना है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए आपको मिल रहा है आई यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स। इसका मतलब होता है जब कभी कभी क्या नाम है, सामान हमको वापस लेना है और क्या नाम है रिटर्न करना, इसका यूज़ किया जाता है इस सामने। जैसे मैस कर लेंगे, मैस कर लिया और हम कंट्रोल से सेव कर देंगे। इंटर करते नहीं जाएंगे, हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा। फिर हमारे यहाँ पे आता है इन्वेंट्री फीचर्स। इन्वेंट्री फीचर्स का मतलब आपका होता है इसमें वर्क आपका किया जाता है। इसमें देखिए जो हमारा सामान कहाँ से लेना है, लोकेशन किस जगह से आपको उठाना है, तो यहाँ पे एस करेंगे। कैटेगरी किस कैटेगरी का सामान हमारा होना चाहिए वो यहाँ पे हम एस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इंटर करते हुए जाएंगे, और आप इंटर करके भी सेव कर सकते हैं, तो कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तभी आप हमारे डाटा सेव कर सकते हैं। फिर आप करते हैं, हम बैक जाएंगे। हम इसके से बैक जाने के बाद क्या करना पड़ेगा, आपको F12 करना है। F12 करने के बाद आपको मिलेगा आप पे इन्वेंट्री इन्फो। क्या मिला, असिस्ट इन्वेंट्री इन्फो। इसका यूज इसलिए किया जाता है, सेटिंग किया जाता है इसमें ही। इसमें सेटिंग आपका मिलता है इनेबल स्टैंडर्ड फॉर स्टॉक आइटम, देखो नीचे दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे समझ में आपको आ रहा होगा। इसका काम आपका ये होता है कि हमें अगर कोई डाटा क्या नाम है सामान सॉरी डाटा नहीं कोई हमारे सामान जो हमारा है प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट कितने का मैंने लिया है, कितने का मैंने बेचा है, वो चीज़ को रखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, स्टैंडर्ड को आपको एस करना रहेगा। नहीं करेंगे तो चीज़ आपका नहीं वर्क करेगा, ध्यान देना आवश्यक बात है। ठीक है, हम कंट्रोल एस से सेव कर देंगे। फिर हम जाएंगे इसके से बैक। अब हमें क्या बनाना है, लेजर बनाना है। लेजर क्यों चलते हैं, तो लेजर बनाने से पहले मैंने आपको पहले बता दिया, हमें सामान अगर हमें बाहर से मंगाना है, जैसे हमें दिल्ली से मंगाना है, मुंबई से मंगाना है, इंटरनेशनल से मंगाना, डोमेस्टिक से मंगाना, उसके लिए आपको अलग से ग्रुप बनानी पड़ेगी। तो ग्रुप बनाने के लिए आपको ऊपर देखिए नीचे ऊपर दिखाई दे रहा होगा अकाउंटिंग इन्फो में ग्रुप ऑप्शन, यहाँ पे इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद हमें मिलेगा आपको क्रिएट, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो हमारे सामने डिटेल आ जाता है बनाने का। तो यहाँ पे बनाना है हमको, जैसे हमको बनाना है मुंबई मुंबई क्रिएशन कैटर सॉरी क्रिएटर करेंगे, इंटर करेंगे। अब मुंबई क्रिएटर क्या है, हम यहाँ पे सिंडिकेटर कर लेंगे। क्या करेंगे, हम सिंडिकेटर कर लेंगे यहाँ पे, इंटर करेंगे और कंट्रोल से डाटा को हम सेव कर लेंगे। ऐसे हम दो बना रहे हैं, दिल्ली का DELHI दिल्ली क्रिएटर करेंगे, CRADI क्रिएटर करेंगे, ये भी आपका वही रहेगा। और दो हम बना लेंगे डेबिटर का बना लेंगे, हमें बनाया डोमेस्टिक कस्टमर। आप लोग कस्टमर्स तो जानते ही हैं, कस्टमर मतलब क्या होता है, तो बताना तो है नहीं कुछ, तो आप लोग होशियार ही होंगे, टैग सीख रहे हैं, आपको तो आता होगा। इंटरनेशनल INTERNATIONAL कस्टमर सी, माफ़ी चाहते हैं अगर कोई स्पेलिंग वगैरह इसमें गलती होगा, तो वहाँ से आप लोग सही कर देख लीजिएगा आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा, सी रहेगा। कस्टमर इंटर करेंगे और हम डेवलप करके सेव कर देंगे। हमने दो चीज़ चार चीज़ मैंने बना लिया। अब बनाने के बाद हम क्या बनाएंगे, लेजर बनाना है। लेजर बनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा इसके से बैक करेंगे, और बैक करने के बाद हमको जाना है लेजर पे। लेजर पे इंटर करेंगे और क्रिएट करेंगे। आपको करना है लेजर, हमें बनाना है। लेजर बनाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले हम बनाएंगे सामान हमें कहाँ से लेना है, उसके लिए हमको कोई कैंडिडेट को चुनना पड़ेगा। हमने यहाँ पर चुना मोहन। मोहन हमारा क्या है, मोहन हमारे हैं सिंडिकेटर SC कर लो। ऐसे करने से ये रहता ना कि मतलब हमको पता चलता है कि मोहन कौन सा है,
यहाँ पे आपको बाहर से मंगाना है, मुंबई से मंगाना है, तो वहाँ पे एससी डाला, इसलिए मैंने डाला कि वहाँ पे आपको पता चले हाँ ये सिंडिकेटर है, इसलिए मैं पढ़ेंगे यम। अब देखो मैं अगर ग्रुप में नहीं बनाया होता तो यहाँ पे नहीं शो करता, इसलिए मैं यहाँ पे ग्रुप बना लिया हूँ। एंटर करेंगे, एंटर बनाने के बाद क्या करेंगे, इसको हम कंट्रोल से सेव कर देंगे। अभी तक हम करते थे सिंडिकेटर स्टडी डिरेक्टर करते थे, यहाँ पे सिंडिकेटर स्टडी डिरेक्टर का यूज नहीं करना है, यहाँ आपको सामान बाहर से मंगाना है, इसलिए हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने दो कस्टमर में चुन रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, दो कस्टमर में चुनूंगा, एक में बना ले रहा हूँ दीपक, PA के दीपक मैंने बनाया, और दीपक को मैंने कर दिया सेंडी डेबिटर, क्या कर दिया सेंडी डेबिटर SD कर दिया, क्या कर दिया SD। इंटर करेंगे यहाँ पे, इंटर किया, यहाँ पे कर देंगे सेंडी डेबिटर, मतलब आपको ये समझ में आता होगा जो हमने बनाया था डोमेस्टिक कस्टमर, डोमेस्टिक कस्टमर किस में आता था, वो सेंडी डेबिटर में आता था, तो यहाँ पे करेंगे D, ठीक है। डोमेस्टिक के नाम से आपको नीचे दिखाई दे रहा है, आया कि नहीं आया, इसे इंटर करके सेंड कर देंगे, ठीक है। हमने दो चीज़ को मैंने बनाया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हमको सामान कहाँ से लेना है, मुंबई से लेना है, और बेचना कहाँ से, हमको डोमेस्टिक से इंटर कर देना, ठीक है, बाहर चला जाना है, इंटरनेशनल में भी बना सकते हो। हमने इंटरनेशनल बनाया मंदीस, MANDEESS मंदीस मैंने किया, यहाँ पे किया SD सेंडी डेबिटर किया। अब मंदीस क्या है, इंटरनेशनल है, मतलब बाहर इंटरनेशनल भेज सकते हैं आप, हम सिंपल इतना किया मैंने, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लेजर फटाफट बना ले रहे हैं, जिसमें हमको बनाना है SBI बैंक। SBI मतलब होता है बैंक, तो जानते ही होंगे, आपको ना आता हो यहाँ पे लिख लो बैंक, क्या लिख लेंगे यहाँ पे बैंक, यहाँ पे क्लिक करेंगे बैंक अकाउंट, क्या करेंगे हम बैंक अकाउंट करेंगे, आपको डिटेल आपसे मांगेगा, दे दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे इंटर करके यहाँ बैलेंस डाल देंगे, डाला 4 लाख, मेरे अकाउंट में कितना रुपया है, 4 लाख है। अब हमें बनाना है, हमको जाना है बैंक, बैंक जाने के लिए क्यों क्या कह जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है कि हमें लेजर जो मैंने बनाया है, लेजर में हमारा एक बनता है कैश, तो कैश का मतलब आपका जानते हैं कैश इन हैंड, नगद पैसा जो हमारे हाथ में रहता है वो कहाँ से दिखाई देता है, कैश में, तो कैश में जाकर यहाँ पैसा हम दे देंगे, 4 लाख, 8 लाख मेरा टोटल हो गया। बैंक जाएंगे तो यहाँ से बना लेंगे कैपिटल अकाउंट, क्या बनाएंगे हम कैपिटल अकाउंट, कैपिटल करेंगे यहाँ पे करेंगे, और CAP कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे 48 लाख, फिर 1, 2, 3, 4, 5, तो जानते ही 8 लाख कितना जीरो होता है ना। अब हम बनाएंगे परचेज, परचेज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, परचेज अकाउंट PURCHASE परचेज। अब आपको ध्यान देना है परचेज कहाँ से लेना, फॉर मुंबई, फॉर MUMBAI मुंबई, मतलब कहाँ से मंगाना है, मुंबई से मंगाना है तो परचेज अकाउंट कर दो, क्या करेंगे हम यहाँ पे अकाउंट करेंगे, कंट्रोल से सेव कर देंगे। अब यहाँ कर दिया सेल SAL टू डोमेस्टिक इंटरनेशनल कर दो, यहाँ TERNA, यहाँ करेंगे हम सेल अकाउंट, आपको समझ में आता होगा, सेल अकाउंट मैंने कर दिया। अब ऐसे एक और बना लो, परचेज टू दिल्ली PURCHASE परचेज टू दिल्ली, अब आपको समझ में आता होगा ना, दिल्ली कर दो, ठीक है। ऐसे हम करेंगे सेल टू डोमेस्टिक DOMESTIC करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम सेल, क्या करेंगे, आपको समझ आ गया होगा, वीडियो बहुत लॉन्ग चल जाएगा, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, इत्मीनान से पढ़िएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत आपके लिए पावरफुल बनेगा, अच्छा बनेगा, ठीक है। अब हम जाएंगे बैक, अब बैग जाने के बाद क्या करना, अगर हमें लेजर पर डिटेल चेक करना है तो आपको जाना है यहाँ पे, लेजर पे क्लिक करना है, आपको अल्ट्रा पे जाना, मल्टीपल लेजर पे नजर अल्ट्रा पे मिलेगा, वो इंटर करेंगे, वो डिटेल हमारा बता देगा मैंने क्या क्या चीज़ इसमें बनाया हुआ, ठीक है। अब हम बैग जाएंगे इसके से, बैग जाने के बाद क्या करना है, आपको जाना है इन्वेंट्री वाउचर पे इंटर करना, हमें क्या बनाना है ग्रुप बनाना, हमें क्या बनाना है ग्रुप, हम सामान क्या ले रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं, किसको बेच रहे हैं, वो चीज़ हमें बनाना है। जैसे हमारा कोई सामान है सोनी कंपनी, इसका है सोनी, इंटर करेंगे यहाँ पे, क्रिएट करेंगे। अब यहाँ हम लिखेंगे, सॉरी कहाँ चले गए भाई, ग्रुप में करना है ना हमको, इंटर करेंगे यहाँ पे, हमें क्या बनाना है, कोई सामान हमारा है किसका है सोनी कंपनी का, किसका है सोनी कंपनी का हमारा है, इसे हम सेव किया। अब हम जाएंगे बैंक, हमने ग्रुप बनाया, हमें बनाना है यूनिट, सामान हम क्या ले रहे हैं, यूनिट में किस चीज़ का ले रहे हैं, हम पीस कर देंगे, क्या कर देंगे हम पीस, इंटर करेंगे, फुल फॉर्म PIC पीस रहेगा, अगर आप लीटर लोगे, KG लोगे, LTO रहेगा, नीचे फॉर्मेट नेम में क्या रहेगा वहाँ पे
सॉरी लीटर रहेगा, ठीक है। आप गाइस जाएंगे कर लीजिएगा आप लोग। फिर हमारे यहाँ पे आता है लोकेशन। लोकेशन मतलब होता है सामान कहाँ से मंगा रहे हो। जैसे हमको सोनी कंपनी SONEY सोनी आपने डाला, क्या डालेंगे हम यहाँ पे, सोनी डाला, सोनी मोबाइल शॉप MOBI अली मोबाइल SSOP शॉप हमें डाला। उससे हमने कंट्रोल से सेव कर दिया, कंट्रोल से सेव हर जगह होता है, ठीक है। ध्यान में बैग जाएंगे, उसको हमको बनाना है, कैटेगरी बनाना है। कैटेगरी में क्या लेना चाहते हैं आप, किस कैटेगरी का लेना चाहते हैं, क्या आपका है वो लेना है। जैसे हमको लेना है सोनी मोबाइल, अब मोबाइल शॉप है तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कुछ चीज़ आपको मिलेगा वहाँ पर जो कुछ ले सकते हैं। जैसे हमको लेना है यहाँ पे, क्या लेना है हमको, लेना है मोबाइल, ठीक है। अब मोबाइल हमने डाला, मोबाइल क्या लेना है आपको, 4G लेना है, क्या लेना है 4G। ऑर्डर सेव कर दिया, हो जाएंगे बैग। अब हमें बनाना है आइटम, क्या बनाएंगे हम, आइटम्स बनाएंगे। आइटम्स हमको क्या रखना है वो चीज़ हमको रखना है, ठीक है। अब हमारा एक मोबाइल, जैसे हमारे तमाम प्रकार के मोबाइल सोनी के आती हैं, जैसे कोई हम नाम दे दे रहे हैं ऐसे सोनी का, हमको तो नाम याद नहीं है। जैसे हमने दिया सोनी का नाम सोनी SONEY डाला और A50 Pro मैंने मॉडल दे दिया, ठीक है। सोनी कंपनी का मॉडल कौन सा है, सोनी है, कौन सा मॉडल है, मोबाइल 4G है। इस मैंने डाला यहाँ रेट मैंने किया एस किया, कितने करने वाले यहाँ पे, कितने का मैंने डाला, हमें डाला 16,000 का सामान, कितने का मैंने मिल रहा है 16,000 का, बेचने का कितने का मैंने, ये तो आपको पता होगा 17,000 का। क्यों बेचते 17,000 का भाई, क्योंकि हमारा फ़ायदा उसमें हो, मुनाफा हो, घाटा ना हो। अगर 16,000 का आप 16,000 का बेच देंगे तो हमारा मुनाफा हो थोड़ी ना हो, घाटा होगा ना, क्योंकि हमने जितने लाख में बेच दिया तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम जाएंगे बैंक, हमें क्या करना है, सामान को बेचना है, वाउचर करना है, अकाउंटिंग वाउचर करना है। अकाउंटिंग वाउचर में यूज कैसे करते हैं, अगर ये वीडियो अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको ऐड कर दूंगा, वहाँ से जाकर के पूरी वीडियो आप देख लीजिएगा, वहाँ से अच्छे से इत्मीनान से आप समझ जाएंगे, ठीक है। आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर पे, एंटर करेंगे यहाँ पे। उसके बाद हमें करना है परचेज। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सामान को लेते हैं। अगर हमें कई सामान लेना है हम क्या करेंगे, वन एंटर करेंगे। वन मतलब होता है पहली बार, ठीक है। हमें सामान कहाँ से लेना है, मैंने इसीलिए MSC डाला था, मोहन। मोहन सामान कहाँ ले रहा गया, मुंबई सामान लेने, क्या ले रहा है सामान, अरे सॉरी यहाँ दिल्ली कर दिया ना अपन, मुंबई लेगा, ठीक है। हमने क्या ले रहा मोहन, सोनी कंपनी का ले रहा, कोई फ़ोन ले रहा है। हमने अप्लाई किया कहाँ से ले रहा है, सोनी मोबाइल शॉप से ले रहा है, मुंबई में उसका कंपनी है, कहाँ पे है, सोनी मोबाइल शॉप। हमने कितना पीस ले रहा है, 5 पीस मैंने डाला, 80,000 का मेरा फ़ोन हो गया, ठीक है। अब हम इसे क्या कर दिया, मैंने सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद क्या करेंगे, जब हमने सामान ले लिया उसको हम पैसा एंट्री करेंगे कि नहीं करेंगे, पैसा देंगे तो करने के लिए क्या करेंगे पड़ेगा आपको, F5। क्या करेंगे बाबू, F5 करेंगे वहाँ पे, फिर बड़ी वाली की दबाएंगे। बड़ी वाली की मतलब हमारा होता है स्पेस। आप किसके थ्रू पैसा देना चाहते हो, बैंक के थ्रू देना चाहते हो कि कैश के थ्रू देना चाहते हो, जिसके थ्रू देना हो उसके थ्रू आप यहाँ से दे सकते हैं। हमने बैंक के देना, हम बैंक देंगे, बड़ी वाली की दबाएंगे। उसके बाद क्या करना है हमको, जाना है सामान मैंने किससे लिया, ये जरूरी ध्यान आपको जानना जरूरी है, सामान मैंने किससे लिया है, किसको पैसा दूंगा। जैसे सामान किससे लेना है, मैंने सामान लिया मोहन से तो मोहन को पैसा देंगे ना, तो यहाँ पे डालेंगे हम 80,000, ठीक है। अब ऐसे हम सामान बेचने के लिए क्या करेंगे, एफेट करेंगे, डालेंगे वन इंटर करेंगे। अब यहाँ पे करना पड़ेगा आपको सामान किसके थ्रू बेचना है, तो दो चीज़ आपका दिया, देखिए एक का दीपक दिया है, एक आपने बनाया था इंटरनेशनल बनाया था, एक मैंने बनाया था क्या नाम है डोमेस्टिक बनाया था। हमें सामान जिसके थ्रू बेचना उसके थ्रू एंटर करिए। यहाँ पे एंटर करने बाद हम किससे बेच रहे हैं, दीपक से। दीपक कहाँ बेच रहे हो, इंटरनेशनल से बेच रहे हो, चलो कोई बात नहीं, इंटरनेशनल में बेच दे रहा हूँ, बाहर से ले जा रहा हूँ। 5 पीस डाला, कितना पीस पूरे का टोटल में बेच दे रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा आप 5,000 का फ़ायदा हो, क्योंकि मैंने 80,000 का सामान खरीदा था भाई, तो 5,085 बता दो, ऑटोमेटिक को पता चल रहा है 85,000 मतलब 5,000 मेरा फ़ायदा हुआ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पैसा उससे लेना है, किससे लेना है पैसा, दीपक से लेना है। यहाँ पर लिखी दबाएंगे, बैंक करेंगे। यहाँ पे सामान किससे मैंने बेचा है जरा बताओ, हमने बेचा है मंदिर से, नहीं किससे बेचा है मैंने, दीपक से बेचा। तो सामान कौन हमको देगा पैसा, दीपक देगा 85,000। एंटर करो और क्या करो, सेव करो, ठीक है। तो अब हम जाएंगे बैंक, बैंक जाने के बाद पता करेंगे कि मेरा फ़ायदा हुआ कि हान हुआ। तो बैंक जाना है, इसके उससे बैंक जाने के बाद जाना है आपको इंटर करना है यहाँ पे बैलेंस शीट पे। इंटर करेंगे तो यहाँ आपको बताएगा 5,000 का फ़ायदा। इंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए, मैंने 80,000 का सामान खरीदा था, बेचा मैंने कितने का है,
85,000 का बेचा, ठीक है। फिर यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपका नीचे भी बता रहा, आपका प्रॉफिट यहाँ पे बता रहा, प्रॉफिट यहाँ से चेक कर सकते हैं कितना हमारा फायदा हुआ, ठीक है। फिर अगर हमें रसीद निकालना है, इसको देना है, तो आपको जाना है डिस्प्ले पे, उसके बाद आपको जाना है डे बुक पे। हमें किसका रसीद देते हैं हमेशा, हम बाबू किसका देते हैं, सेल का देते हैं, क्योंकि 80,000 का सामान मैंने लिया है तो हम बेचेंगे देंगे कितने का, 85,000 का मैंने जब बेचा तो हमको रसीद किसका देंगे, हम सेल का। इंटर करेंगे यहाँ पे, अल्ट पी करेंगे, इंटर करेंगे यहाँ पे, यहाँ पूरा डिटेल आपका आ जाएगा। जूम करने का शॉर्टकट क्या होता है, अल्ट जेड, यहाँ से देखिए जूम करके आप आसानी से पूरा डिटेल आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने सीखा थर्ड प्रोग्राम में किसी भी पर्सन को किसी भी बाहर से डिटेल कैसे देते हैं, सॉरी बाहर से सामान कैसे लिया जाता है। थैंक यू, वेलकम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ऐसे लेटेस्ट वीडियो को जरूर आप लोग देखिएगा। धन्यवाद।